दिल्ली गेट पे जो मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल का बेमुदत जंजीरी हड़ताल चल रही है, धरना आंदोलन चल रहा है, इसको समर्थन देने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, तो क्या डिमांड है इन लोगों की? ये औरंगाबाद के हर शहरी की और खुसूसी तौर पे औरंगाबाद के माइनॉरिटीज़ की और उस देश के माइनॉरिटीज़ की जो डिमांड्स है उसी के तहत ये रखा गया है मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के द्वारा। और हम सबका इसमें सपोर्ट है, हमारी डिमांड है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है एक मलून के ज़रिए, उसको तुरंत अरेस्ट किया जाए और उस पर कड़क कार्रवाई की जाए। दूसरी बात, जो इस वक्त जो वक्फ बोर्ड का जो एक बिल लाया गया है उसको बिना किसी उसके वापस लिया जाए। तीसरा, जो औरंगाबाद का जो नाम जो तब्दील किया गया है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, उसको वापस फिर से औरंगाबाद किस तरीके से इंटैक्ट रखा जाता है, इसके लिए रेजोल्यूशन लाए जाए, प्रपोजल लाए जाए। और हमने एक बात ये रखी है कि अगर आपको औरंगाबाद का जो नाम है ये रखने के साथ साथ जो संभाजी नगर का जो प्रपोजल था उस सेंटिमेंट को भी सेटिस्फाई करना है, तो ये शहर इतना बड़ा हो चुका है कि अभी यहाँ दो महानगर पालिका की जा सकती है, पुणे जैसे या बॉम्बे जैसे। तो अगर जो नई महानगर पालिका बनती है न्यू सिटी के अंदर, उसके उसको अगर संभाजी महाराज का नाम दिया जाता है तो उसमें किसी औरंगाबाद कर का कोई विरोध नहीं रहेगा। लेकिन ये शहर की और इस ज़िले की जो शिनाख्त है, जो पहचान है औरंगाबाद के औरंगाबाद कर के तौर पर, उसको बिल्कुल भी नहीं मिटने देना है हम लोगों को, उसको नहीं मिटाना चाहिए, ताकि ये एक हिस्टोरिक शहर है, एक इलाकाई पहचान है हमारी, मराठवाड़ा की शान रहा है हमारा शहर, तो इसको बरकरार रखते हुए और नई महानगर पालिका को मैंने अपनी तरफ से एक ये भी दिया था कि अगर DMIC जो बनी है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसको भी अगर आप संभाजी महाराज का औद्योगिक क्षेत्र के नाम से डिक्लेयर करना चाहें तो उसमें भी हमारा किसी का कोई विरोध नहीं है। लेकिन जो ये महानगर पालिका है और ये जो ज़िला है ये औरंगाबाद के नाम से ही रहना चाहिए। और दीगर जो दूसरी डिमांड्स हैं उसमें भी आज यहाँ हम लोग सब, तो ये जो पुराना शहर है उसको जैसा का वैसा रखा जाए, ऐसी डिमांड है क्या आपकी? ये जो महानगर पालिका है औरंगाबाद महानगर पालिका, इसको औरंगाबाद महानगर पालिका ही रखा जाए, ज़िले का नाम औरंगाबाद ही रखा जाए। सिर्फ अगर नई जो महानगर पालिका जो अगर बन सकती है इस वक्त यहाँ पे, उसको नाम दिया जाता है तो कोई औरंगाबाद कर उसका विरोध नहीं करेगा। क्योंकि हमारे कुछ औरंगाबाद के जो अभी है, क्योंकि ये बाल ठाकरे की डिमांड थी, कुछ लोग एक्साइटेड हो गए हैं इसके ऊपर कि ये संभाजीनगर होना चाहिए, उनको ये भी नहीं पता कि ये संभाजीनगर क्यों होना चाहिए। तो उन लोगों की उस सेंटिमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए हम चाहते हैं कि हमारे शहर में अमन बरकरार रहे, भाईचारा बरकरार रहे। कौन से एरिया को देना चाहिए नया नाम, कौन सा एरिया है वो? देखिए, जब शहर की आबादी 3 लाख के ऊपर हो जाती है तो महानगर पालिका ऑटोमेटिकली वहाँ पे ख्याम में आ जाती है, अस्तित्व में आ जाती है। अभी हमारे शहर की आबादी लगभग 15 लाख के ऊपर चली गई है, 140 के आसपास वार्ड्स हो रहे हैं जो अभी डिक्लेयर नहीं हुए, लेकिन 140 के आसपास हैं। इसमें अगर जो फ्रिंज एरिया है, झालर एरिया है सिडकों का, या जो महानगर एरिया है वालूज पंडरपुर ये सारा, और जो नया शहर जो अभी चिकलठाना और इधर बड़ा है पिसा देवी ये साइड में, इसको भी अगर इसमें इंक्लूड कर दिया जाए तो बड़ी आसानी से 200 वार्ड यहाँ किए जा सकते हैं। 100 वार्ड जो नई महानगर पालिका है उसमें शहर का विकास भी अच्छा होगा, क्योंकि फंड आएगा तो शहर का विकास भी अच्छा होगा, हमारे देश को, हमारे शहर को सॉरी, इससे आर्थिक लाभ भी मिलेगा और विकास भी होगा और भाईचारा भी बरकरार रहेगा और ये मसले का हल भी निकाला जा सकता है। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल बोले तो पूरी मुस्लिम उम्मा का धरना है ये, इसलिए ये धरने के जो मुद्दे लेके चल रहे हैं, पिछले जो है मलून रामगिरी महाराज ने जो हरकत किया है अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी को लेके, तो उसको गिरफ्तार किया जाए, सख्त से सख्त दिया जाए, ये मांग हमारी पहले से हो रही है। और इस पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने और यहाँ के उलमाए इकराम ने जो है सिटी चौक पुलिस स्टेशन में गुना भी दाखिल किया, तो उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। दूसरा, ये जो नारायण राणे का लौंडा है वो बहुत ज़्यादा जो है कुछ भी किस्म की बातें कर रहा है, मस्जिद में घुसेंगे, इधर घुसेंगे, उधर घुसेंगे, तो खाली स्टेज पे बोल के मस्जिद में घुसने से हो जाएगा क्या? तो आके बताओ मस्जिद के अंदर, हम बताते तुम्हारे को कि हम क्या करेंगे तुम्हारा। तो इस किस्म की बातें नारायण राणे के टिल्लू छोकरे ने जो करा, तो इससे कुछ होने वाला नहीं कुछ भी। फालतू जो है इलेक्शन जैसा खरीब आता इस किस्म आ जाती है मैदान में और बेवकूफ़ी की जैसी बातें करते हैं। एक मुद्दा है कि नारायण रानी की आवाज़ को लगाम लगाया जाए, नहीं तो फिर चुप तो भी महाराष्ट्र का वातावरण ख़राब होने की नौबत आ सकती है, समझे? तो उसके नारायण राणे के लौंडे को लगाम लगाया जाए, एक दूसरी बात ये। तीसरी बात, वक्फ तरमीम बिल जो आया है
स्टेट गवर्नमेंट ने जो लाया है उसको जो है ख़त्म किया जाए, सेंट्रल ने उसको ख़त्म किया जाए। उससे जो है हमारी जगह भाई, हमारे बुज़ुर्गों ने दिए हुए हैं गरीब मुसलमानों को जो है ऊपर उठने के लिए, उसको गवर्नमेंट बोलती है अब हम लेंगे। ऐसा कैसा लेंगे तुम जाकर, कैसे देंगे हम तुम्हारे को जगह हो। तो ये जी ये बिल भी जो है ख़त्म किया जाए, ये मुतालबात लेके मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल और जो है शहर की मुस्लिम अवाम जो है यहाँ पर बेमुद्दत धरने के ऊपर बैठी है, और जब तक बैठेंगे इंशाल्लाह जब तक ये हमारी पूरी मांगे जो है मंजूर नहीं होंगी।